नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल और आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। आज जैसा कि देश में जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है, जो हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, अभी इस वक्त हम खड़े हैं रोहिणी के सेक्टर 3 के सनातन धर्म मंदिर के बाहर। कोरोना काल के चलते एक साल तो वैसे ही कोई त्योहार मनाए नहीं गए, लेकिन आज कोरोना के एक साल के बाद जो दोबारा से ये सिलसिला त्योहारों का शुरू हुआ है, देखते हैं कोरोना का कितना असर इन पर जो है वो नजर आ रहा है। जी, कोरोना काल के चलते काफी टाइम से देश में जो उत्सव थे वो बंद थे, आप जो जन्माष्टमी दोबारा से शुरू हुई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोरोना का पूरा ख्याल रखा है, सैनिटाइजर रखा है और मास्क लगाना जरूरी है और डिस्टेंस का भी जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल है उतना कर रहे हैं। अगले साल की जन्माष्टमी कैसी होने वाली है? उम्मीद है कि इससे अच्छी होगी। देश की जनता आपको देख रही है, उन्हें आप क्या कहेंगे? शुभ नकामने देते हैं हम जन्माष्टमी की और लोगों को अपने घर में रहने की सलाह देते हैं, डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की सलाह देते हैं। आने की जय। अंकल जी, पिछले साल कोरोना की वजह से जन्माष्टमी बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन दोबारा से शुरू हो गई है, इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में जो है, लोग सभी जो है मास्क लगाकर और पूरी दूरी से बड़े हिसाब से चल रहे हैं और पहले से रौनक हमारे यहाँ कम है और गवर्नमेंट जो है जो उन्होंने रूल बना रखे ना उसके अनुसार लोग चल रहे हैं और कृष्ण भगवान का जन्म बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। हम अपनी गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस कार्य को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया और आगे भी हमें आशा यही है कि अब ये जो कोरोना है बिल्कुल समाप्त हमारे देश से चला जाएगा और लोगों के अंदर खुशहाली आ जाएगी। हमारा जो शिव शक्ति सनातन मंदिर लगभग 30 वर्ष से बना हुआ है, हमारे इसके व्यवस्थापक लाला सतपाल जैन जी थे, वो कोरोना की उसमें चले गए, बड़े दुख का विषय है, लेकिन उनके लड़के और प्रधान जी उनकी टीम पूरी मेहनत से लगे हुए हैं और सबके साथ लगकर मंदिर में शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से सभी प्रधान जी का भी अन्य सदस्यों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बोल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। बोल कृष्ण भगवान की जय। मैडम, आज जो जन्माष्टमी आप देखने आए हैं, कोरोना से पहले जो जन्माष्टमी थी और कोरोना के बाद की जो जन्माष्टमी, आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? अब प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है, ऑल्दो आई थिंक जन्माष्टमी का एसेंस सेम है क्योंकि हम सब भगवान जी का बर्थडे मना रहे हैं एंड वो सब बहुत खुशी से मनाते हैं, चाहे कोविड हो या ना हो हम उसकी खुशी हमेशा मनाते रहेंगे, लेकिन आज यहाँ मास्क सैनिटाइजर के साथ बना रहे हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं भगवान जी का बर्थडे, तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी बोलो, राधे राधे। क्या लगता है जो रौनक जन्माष्टमी की पहले थी कोरोना से पहले, वही रौनक अभी है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है, वो क्रेज आजकल त्योहारों में दिखता ही नहीं है, बट स्टिल जो लास्ट ईयर था उससे थोड़ा सा कह सकते हैं कि अभी हमारे को ठीक फील हो रहा है। अभी जैसे देख रहे हैं थोड़ा सा चहल पहल है मंदिरों में, देख के कितना प्यारा लग रहा है, आज मंदिर सजते हैं अच्छा लगता है, त्योहारों का मालूम पड़ता है, लेकिन हाँ जो पहले होता था वो चीज से हम थोड़ा सा मायूस है। देखा आपने कोरोना से पहले की जन्माष्टमी और अब की जन्माष्टमी में अंतर ये देखने को मिला कि जो भीड़ और जो लोगों में उत्साह पहले देखा जाता था, कोरोना के बाद वो उत्साह कुछ कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है लेकिन कम जरूर हुआ है। पहले लोग बिल्कुल बिंदास घूमने आते थे, लेकिन अब लोगों के हाथ में सैनिटाइजर की छोटी छोटी बोतलें, छोटे छोटे पाउच होते हैं, चेहरे पर मास्क होता है, भीड़ से डरते हैं, भीड़ में जाने से डरते हैं, कई तो ऐसे लोग हैं जो मंदिर के बाहर से ही वापस लौट गए, लेकिन जो क्रेज लोगों के अंदर भगवान को लेकर था वो आज भी मौजूद है। डर के सभी डर की चीजों को साइड में रखते हुए लोग फिर भी दर्शन के लिए आए। हमने लोगों से बात की, पंडित जी से भी बात की और लोगों ने बताया कि कोरोना जो है उसका डर तो है, लेकिन धीरे धीरे कोरोना का डर खत्म होता जा रहा है और वही उत्साह, वही चारों तरफ उत्सव का माहौल, वही खुशियां दोबारा लौटती आ रही हैं। हम भी ओपन चैलेंज की पूरी टीम की तरफ से आपको
जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही आपको सुरक्षित रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप सुरक्षित रहे, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए अनमोल हैं और हम चाहेंगे कि आप अपने परिवार में खुशी खुशी हमेशा बने रहें। कैमरामैन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज, रोहिणी सेक्टर 3।